सर हमारी दुकानों के अंदर समा हो गए। दुकानों के अंदर है? हाँ जी। बाहर नहीं है? बाहर नहीं है। दुकानें धुआं छोड़ती हैं? ये धुआं छोड़ती हैं? कोई गाड़ियां छोड़ती हैं? वो बंद नहीं की हैं? अल्लाह के बंदे गरीबों का काम चलता, फटे बंद कर दिए, ये धुआं छोड़ रहे फटे। ये गवर्नमेंट की माशाल्लाह अच्छी पॉलिसी है जनाब, बेरोजगार करने के लिए लोगों को। गरीब आदमी जो मजदूरी के लिए आता है, अब सुबह दिन तो सारा जाए वेस्ट किया, अब ये थोड़ी है कि 3 बजे कोई दिहाड़ी देगा उसे। क्या करें हम, मजबूरी है ना। वो तो ऐलान कर देते हैं जी बंद कर दें, उनको ये नहीं पता ये इन लोगों ने किराए किधर से देने हैं, इन्होंने मुलाजमों को तनखाएं किधर से देनी है, या इन्होंने अपना पेट कैसे पालना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दाऊद खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन डिजिटल। तो जी नाज़रीन, आज हम टाउनशिप मार्केट में मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है, स्मोक के हवाले से पुलिस वाले यहाँ पर दुकानें बंद करवा रहे हैं, स्मोक आज बिल्कुल नहीं है। आए लोगों की राय लेते हैं, क्या लोगों को पुलिस वाले तंग कर रहे हैं स्मोक के हवाले से, क्या बंद करनी चाहिए पुलिस वालों को दुकानें या नहीं, लोग क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर स्मोक के हवाले से दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, आज धूप निकली है, स्मोक बिल्कुल नहीं है, क्या कहते हैं? मैं भी आपसे यही सवाल कर रहा हूँ कि ईमानदारी से बताएं, इधर कहीं पे है स्मोक? बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये दुकानदारों के साथ जुल्म है, एक ही दफ़ा ऐसा करें कि दुकानदारों को जहर दे दें ताकि दुकानदार मर जाए, ये कारोबार के साथ जुल्म है। मुझे बताएं आपने कौन सी स्मोक रोकी है? रिक्शे वो चल रहे हैं, गाड़ियाँ वो चल रही हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं जिनके पास पैसा है। मर कौन रहा है? दुकानदार, जिसने 1 लाख रुपया किराया देना है, 80,000 रुपया किराया देना, मर तो वो रहा है ना, इसमें उनको क्या, गाड़ी वालों को क्या नुकसान है? नहीं, इतनी महंगाई है, ऊपर से इन्होंने दुकानें भी बंद करवा दी, इनको समझ नहीं आ रही। ये आवाम के साथ है ही नहीं, ये कहते हैं आवाम मर जाए, कल की मरती आज ही मर जाए। सर हमारी दुकानों के अंदर स्मोक है? दुकानों के अंदर है? हाँ जी। बाहर नहीं है? बाहर नहीं है। क्या कहते हैं आप कि बिल्कुल इतनी तेज धूप निकली है और ये स्मोक, कह रहे हैं कि स्मोक है जिसकी वजह से दुकानें बंद? उन्होंने कहा है ना दुकानें आप बंद रखो, दुकानों के अंदर स्मोक है। वो आम जरना है, ये थोड़ी सी आपको खोल के दिखाई है कि ये देखो ना कि ये स्मोक निकलेगी, वे देखो अंदर से निकल रही है। आप कहें गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, जहाज चल रही हैं, भट्ठे चल रहे हैं, जो जिनसे स्मोक बनती है वो तो जन हर चीज़ चल रही है, दुकानों के अंदर स्मोक है। उन्होंने कहा कि जन ये दुकानें आप बंद रखें, इसलिए हमने दुकानें बंद रखी हैं, आपको ये खोल के तहाँ दिखाई है कि जाना ये अंदर से निकल रही है स्मोक, आप इसको चेक करें। स्मोक निकल रही है, हम चेक कर ले। अच्छा, कुछ लोगों को भी यहाँ से गिरफ्तार करके ले गए क्यों? हाँ जी ले गए हैं, बस जाना क्या कह सकते हैं हम, बदमाशी है उनकी, पता नहीं जी उन क्या मरा आदमी क्या कर सकता है, ऊपर से इतनी महंगाई के किराए नहीं पूरे हो रहे, खाने का हम किधर से जाना, ये अपना मुलाजमों की तनख्वाहें किधर से देंगे, ये किराए किधर से देंगे, क्या करें हम, मजबूरी है ना। वो तो ऐलान कर देते हैं जी बंद कर दें, उनको ये नहीं पता ये इन लोगों ने किराए किधर से देने हैं, इन्होंने मुलाजमों को तनख्वाहें किधर से देनी है, या इन्होंने अपना पेट कैसे पालना है। ये मार्केटों में कोई कम किराए नहीं है, बहुत ज़्यादा किराए हैं। ये गवर्नमेंट की माशाल्लाह अच्छी पॉलिसी है जनाब, बेरोजगार करने के लिए लोगों को। गरीब आदमी जो मजदूरी के लिए आता है, अब सुबह दिन तो सारा जाए वेस्ट किया, अब ये थोड़ी है कि 3 बजे कोई दिहाड़ी देगा उसे, और ऊपर से हफ्ता और इतवार काम के दिन होते हैं, वो उन्होंने हफ्ते वाले दिन रखे हैं। आजकल हफ्ता और इतवार वैसे भी काम के दिन होते हैं, मगर उन्होंने काम उसी दिन को प्रेफर किया कि क्लोज कर दी। महंगाई आ गई इतनी ज़्यादा है कि लोगों की रोटियाँ और किराए नहीं पूरे हो रहे, ऊपर से इन्होंने हफ्ते में 2 दिन दुकान भी बंद। बस ऐसे ज्यादती है ये गवर्नमेंट की, क्या कहते हैं गवर्नमेंट? मैं गवर्नमेंट को यही कहूँगा कि ये ज्यादती है, इस पर गौर करें और ये गलत है पॉलिसी, ये नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये इन्होंने आवाम के नुकसान के लिए एक नया तरीका ढूंढ लिया है। स्मोक किस वजह से होती है? स्मोक होती है गाड़ियों की वजह से, जो अफसरान की गाड़ियाँ हैं उनकी वजह से स्मोक होती है, उनका धुआं है, वो गाड़ियाँ बंद नहीं होंगी तो स्मोक कैसे खत्म होगी? दूसरी ट्रैफिक भी चल रही है, दूसरी ट्रैफिक भी चल रही है, उसका वो भी चल रही है, लेकिन नुकसान क्या है? इन्होंने गरीबों का रोजगार बंद करना है, तो उसके लिए कि ये नया तरीका ढूंढ लिया ताकि वो गरीब जो है ना वो रोटी ना खा सके दो टाइम। ऊपर से इतनी महंगाई है कि रोटी और क्रैश जो है ना दुकानों के वो पूरे नहीं हो रहे। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गरीब की रोटी बंद करने का एक तरीका था, वो भी उन्होंने ले लिया। क्या कहते हैं गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट से कहता हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है कि स्मोक है तो ये स्मोक के जो असरात हैं वो जो अफसरान हैं उनसे किया, उससे शुरू किया जाए, ये नहीं कि गरीब तबके से शुरू किया जाए दुकानों से। अब क्या मुझे बताएं कि आज ये स्मोक है तो क्या ये खत्म हो गई है दुकान? खत्म हो गई? स्मोक है ही नहीं, आज धूप निकली हुई है ही नहीं ना मेरे भाई, कल भी धूप है। लोग कह रहे हैं कि पुलिस यहाँ से लोगों को भी गिरफ्तार करके लेके गई है। ऐसे ही कर रहे हैं वो कईयों के पास नोटिस नहीं होता, वैसे ही वो अपनी मर्जी से, यानी कि वो उन्होंने अपनी जेबों भरने के लिए करते हैं। पुलिस वाले कौन से, ऊपर वाले गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं?
यानी कि वो लेके जाते हैं पैसे अपने, वो अपने वो गवर्नमेंट को पता ही नहीं होता, वो उन्होंने अपनी जेब में भरने होते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। स्मोक की वजह से दुकानें आजकल टाउनशिप बाजार में बंद करवा रहे हैं, बाकी लोग जगह पे भी बंद करवा रहे हैं, लेकिन स्मोक आज बिल्कुल नहीं है, धूप निकली हुई है। यार कहीं मुझे बताएं आप, स्मोक है कहीं पे? क्या कहते हैं आप गवर्नमेंट? ये गलत है ना यार, गरीब अवाम का परेशान है तो पहली मरी हुई अवाम में महंगाई से मरी हुई, पर दुकानें बंद करके और मार रहे हैं यार। ऊपर से इतनी महंगाई है, महंगाई है, खाने पीने की स्मोक तो नजर आ रहा कहीं आपको नजर? और स्मोक गाड़ियों से बनती है और गाड़ियां जो गाड़ियां चल रही हैं, ये दुकानों में दुकानें धुआं छोड़ती हैं, ये धुआं छोड़ती हैं, कोई गाड़ियां छोड़ती हैं, वो बंद नहीं की हैं। अल्लाह के बंदे गरीबों का काम चलता, फटे बंद कर दिए, ये धुआं छोड़ रहे हैं फटे। अजीब सिस्टम हुआ हमारे मुल्क का यार, समझ नहीं आ रहा क्या करें। कहते हैं गवर्नमेंट, कभी गवर्नमेंट आती है वो भी ऐसा बेड़ा गरा करती है, निगरान आ जाता है वो भी ऐसा बेड़ा, समझ नहीं आती है कि यहाँ बाहर के मुल्क से कोई और बंदा लाके बिठाए, जमीन से कोई और पैदा होगा जो सही तरह चलाएगा इस मुल्क को, समझ नहीं आ रहा। बेड़ा गरा बहुत ज्यादा तंग है, निगरान सेटअप से तंग है हम तो, और जो इससे पहले हुकूमत है उनसे भी तंग है। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर स्मोक के वाले से दुकानें आज बंद करवाई गई हैं टाउनशिप में, स्मोक बिल्कुल नजर नहीं आ रही, बहुत तेज धूप निकली हुई है, क्या कहते हैं आप? यार देखिए हुकूमत के ऑर्डर आ जाते हैं जी, हमारे लिए मसला बन जाता है ताजर बरादरान के लिए, कभी कोरोना आ जाता है, कभी कोई चीज़ आ जाती है, कभी कोई चीज़ आ जाती है। आपको भी इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान के हालात जो से ना बिल्कुल ठीक नहीं है, जो से गरीब आवाम उधर स्टॉल लगाती है उनको मार के बंद करवा दी, किधर से बेचारे कैसे सर्वाइव करेंगे, इनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। ऊपर से जो स्मोक होती है वो गाड़ियों से बनती है, उस हवाले से क्या कहते हैं कि ट्रैफिक चल रही है और दुकानें बंद है जिसकी स्मोक से? भाईजान ये पाकिस्तान है, आपको पता है यही, इधर तो हर काम ही उल्टा होता है। अब देखिए एक सेल्समैन अंदर 1000 रुपये पे वो काम जॉब कर रहा है, आज उसका 500 रुपया मिलेगा क्योंकि आधा टाइम तो गुजर गया, ठीक है। दुकानदार भी क्या करे, वो किराया दे 20,000 रुपये अपना रोज का, या वो सेल्समैन को ले, उसके लिए भी मसला है। लिहाजा ये मौसम को देखना चाहिए, नहीं गवर्नमेंट वो मौसम नकवी साहब को देखना चाहिए ना, ये गरीब लोग हैं, थोड़ा सा इनके लिए ख्याल किया जाए, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके इनको नरमी दी जाए, ताजर बरादरान को खास करके, क्योंकि मुल्क के हालात बिल्कुल नहीं ठीक, ताजर बरादरान जो है वो पहले ही बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं, तो लिहाजा इनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए जी। कुछ लोग ऐसे स्मोक तो वैसे आज बिल्कुल भी नहीं है, धूप भी बाहर निकली हुई है, मौसम भी बड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन ये गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है। हम दुकानदार हैं, हमने दुकानों के किराए वगैरह देने होते हैं, ताजर बंदे हैं, तो ये ताजरों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, तो गवर्नमेंट को चाहिए हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करें। स्मोक जो है वो गाड़ियों से बनती है, गाड़ियाँ ट्रैफिक चल रही है लेकिन दुकानें बंद है, क्या कहते हैं? स्मोक जो है ना ज़्यादातर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आलूदगी स्मोक गाड़ियों की वजह से बनती है और दुकानें सारी बंद हैं, ट्रैफिक वैसे ही चल रही है, तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए हम ताजरों के साथ कंप्रोमाइज़ करें, इस वजह से हमें बड़ी परेशानी हो रही है, तो हमारा दिन भी काम का था जिसकी वजह से दुकानें सारी बंद। हफ्ते को काम होता है और हफ्ते को इन्होंने दुकानें बंद, बिल्कुल बिल्कुल हफ्ता और इतवार को ज़्यादा काम होता है, तो हफ्ता इतवार इन्होंने दुकानें बंद की हुई हैं, तो ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ताजरों के साथ कंप्रोमाइज़ करे, बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा, हमने किराए देने होते हैं, बिल देने होते हैं, इसलिए सर परेशानी है, फिर क्या कर सकते हैं हम? आपको पता तो है पंजाब पुलिस बस जिसको खर्चा मिलता है वो खुल रही है, वो देखें अब कुछ दुकानों के शटर ऊपर भी हैं, पैसे दिए, जाहिर बात है फिर ऐसे तो नहीं खोली होगी, हमारी भी आगे दुकान है बंद है, अगर उनके दिए हो गए तो खुली हैं। आगे सुबह एक बंदे को पकड़ के लेके गए हैं, उससे 1500 लिया है, रेडी वाला है, वो कितनी दिहाड़ी कमाता होगा? पाकिस्तान में यही चीज़ें भैया चल रही हैं बस। क्या कहते हैं गवर्नमेंट को, इतनी महंगाई के दौर में दुकानें बंद करवा दी हैं और ऊपर से कारोबार का आज दिन है जी। आपको पता हफ्ता इतवार ही काम होता है, उसके अलावा काम होता ही नहीं है, ठीक है। हफ्ता के हफ्ता जो उनका दिन होता है उसके लिए अंदर मार्केट का काम होता है, इतवार को बाहर फटों का स्टॉलों का काम बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, ठीक है। और अब पंजाब को पता ही है मजदूर की कितनी दिहाड़ी चल रही है, जो 1000 दिहाड़ी ले रहा है उसने घर जाना है, 1000 खर्च हो जाना है, सुबह आना है नए पैसे कमाने हैं उसने, आज दिहाड़ी नहीं है तो वो क्या कमाएगा, मामला खराब उनके लिए। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप क्या कहते हैं स्मोक आई नहीं है, दुकानें बंद करवाई हुई है, ये सरासर बगैरती है बस और कुछ भी नहीं है, ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है ये, हमारी कह रहे हैं पकड़ के लेके गए हैं पैसे दे के छोड़ दिए, बस ये आपको बताया हमारा कानून ऐसा है, क्या कर सकते हैं, हमारे हुक्मरान ऐसे है, कहने का मतलब ये है कि क्या कहते हैं हमारी हुकूमत को चाहिए कि कारोबार पे ज्यादा फोकस करें, जिससे हमारी क्या कहते हैं जरूरत कम हो सके, हमारी परेशानियां कम हो सके, लेकिन इन चीजों पे इनका फोकस नहीं है, ये जलसे जुलूस सिर्फ इन चीजों पे इनका फोकस है, ठीक है ना। हफ्ते वाले दिन कारोबार के दिन होते हैं लेकिन हफ्ते वाले दिन मार्केटें बंद, मार्केटें बंद है, तो यही देखे ना आवाम क्या करेगी बताए। जो काम जो आलूदगी है जो स्मोक है वो दुकानों से नहीं बनती, ट्रैफिक से बनती है, उस वाले से क्या कहते हैं ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि देखो इस बारे में क्या कहते हैं सोचे, ट्रैफिक को कंट्रोल करें, ठीक है ना, हर जगह पे। अब
रखे हैं, रिश्के जगह जगह पे खड़े हुए हैं, पार्किंग जो बनाई हुई है उन्होंने, पार्किंग में गाड़ियां नहीं लगती, रोड के ऊपर लगी होती हैं, तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक तो फिर ब्लॉक होगी और इससे रुदगी भी होगी फिर। अब ऐसे स्मोक अप नहीं है ये, बस वैसे ही इन्होंने क्या कहते हैं एक वो बगैरती लगाई भी है कि बस लोगों को परेशान कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। जी नाज़रीन, लोगों की राय आपने देखी, लोग कह रहे हैं हमारे साथ सरासर ज्यादती हो रही है, गवर्नमेंट को हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, हमारे साथ ऐसी ज्यादती नहीं करनी चाहिए। इस जर्नी के लिए कमेंट लाजमी कीजिएगा, देखते रहे न्यूज़ 1 डिजिटल, अल्लाह नेकबा।